नमस्कार मित्रों, अभय ज्ञान प्रोडक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, आ गया है अक्टूबर महीना, आप वेट कर रहे होंगे अपनी राशि फल का। तो देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे देखने वाली हूँ हमारे जो मेष राशि हैं, तो हमारे मेष राशि की क्या एनर्जी रहेगी। तो देखिए, आप आज से लेकर 31 अक्टूबर तक की एनर्जी इसमें देख सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर टोटल कलेक्टिव रीडिंग करने वाली हूँ। जो हमारे मेष राशि वाले हैं वो इस वीडियो को देख सकते हैं, और जब तक मैं अपना कार्ड मिक्स कर रही हूँ तब तक आप लोगों से कहूँगी कि मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, सबसे पहले मैं इसमें देखूँगी कि आपकी एनर्जी क्या है, फिर आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या है, थर्ड पार्टी के साथ क्या चल रहा है, क्या होगा, डिवाइन एंजल का क्या मैसेज है आपके लिए, आपकी हेल्थ कैसी है, आपका कैरियर और मनी का मैटर कैसा है। लव एंड कैरियर रीडिंग मैं एक साथ इसमें करने वाली हूँ। चलिए, मैं सबसे पहले निकालूंगी मेष राशि वालों अक्टूबर महीने की आपकी एनर्जी कैसी रहने वाली है। हे स्पिरिट गाइड एंजल, किसी भी निगेटिव एनर्जी से सुरक्षित रखते हुए गाइडेंस दीजिए प्रभु। स्पिरिट गाइड एंजल्स, मुझे बताइए मेष राशि वालों की अक्टूबर महीने में एनर्जी कैसी रहेगी। मेष राशि वालों की अक्टूबर महीने में एनर्जी कैसी रहेगी। मेष राशि वालों की अक्टूबर महीने में एनर्जी कैसी रहेगी। मेष राशि वालों की अक्टूबर महीने में एनर्जी कैसी रहेगी। मेष राशि वालों की अक्टूबर महीने में एनर्जी कैसी रहेगी। मेष राशि वालों की अक्टूबर महीने में एनर्जी कैसी रहेगी। तो देखिए, हमारे जो मेष राशि वाले हैं बड़े पॉजिटिव से कार्ड आए हैं। मैं कहूँगी कि देखिए, ये महीना जो है अभी से लेके, ठीक है, आज 22 डेट हो रही है, ठीक है, 22 से लेके 31 अक्टूबर तक की एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पिछले जीवन में कोई रिश्ता बहुत बोझ बन रहा था, बड़ी मुश्किलों से आप उसे लेकर चलते हुए मुझे दिखाई दे रहे थे, ठीक है, और आप यहाँ पर इमोशनली कंफ्यूजन में थे कि मैं इधर जाऊँ कि उधर जाऊँ। तो वहाँ पर कुछ ऐसा हुआ कि आ गया वहाँ पर टावर मूवमेंट, और आप दोनों के बीच में हो गया लड़ाई झगड़ा, बवाल या जो कुछ भी था, होना उठा पटक, चाहे पारिवारिक जीवन में चाहे आपकी लव लाइफ में, कहीं पर भी बड़ी उठा पटक पिछले टाइम में आपने देखी हुई है। लेकिन उसके बाद आपने सब चीज़ों को बैलेंस किया, तो इस बैलेंस करने के बाद आपने मुझे लगता है या मेडिटेशन किया या खुद को सेल्फ लव में लेकर आए या कुछ तो इम्प्रूवमेंट किया आपने अपने अंदर, और अब आप किसी अलग से मामले में, मुझे दिखता है कि नाइट ऑफ कप आया है, धीरे धीरे प्यार से किसी की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जहाँ पर प्यार है, इमोशन है, मैं नहीं कहूँगी बहुत तेज़ी से, पर स्लो स्लो आप किसी की तरफ बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। और ये क्यों हो रहा है कि देखिए, जैसे मैंने कहा टावर मूवमेंट आया था, यहाँ हैंगमैन ऐसे होता है, यानी उलझनों में पड़े रहना, उलझनों से बाहर हो जाना। तो इन दिनों में दिखाई देता है कि आप हैंगमैन की एनर्जी से बाहर आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो पिछले समय में आपने शायद धोखे खाए, कुछ प्रॉब्लम्स देखी, आसपास के लोगों का आपको उस तरह सपोर्ट नहीं मिला, आपको बाद में पता चला कि नहीं, ये लोग आपके लिए ठीक नहीं थे, ये तो पीठ पीछे आपका ही बुरा चाहते थे। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपकी अवेकनिंग हो रही है, ट्रांसफॉर्मेशन का समय है, डिवाइन आपको ज्ञान दिला रहे हैं ये सब समझने का, ये सब जानने का, अपने आगे पीछे के माहौल को समझने का। तो इसलिए आप उन चीज़ों से अब निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पर आप बड़ा स्टक महसूस कर रहे थे, जैसे इंसान को उल्टा लटका दिया जाए, समझ में ना आए कि क्या किया जाए। तो पिछले टाइम में ऐसा कुछ रहा है, अब आप उन चीज़ों से बाहर आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। और आप किसी को कोई बहुत बढ़िया ऑफर देते हुए दिख रहे हैं, या तो आप किसी को गिफ्ट देना चाहते हैं, या आप किसी को अपने प्यार का, इमोशन का, या किसी चीज़ का ऑफ़र देते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये ऑफ़र जो है ये खाली लव रिलेशनशिप में नहीं है, ये मुझे काम काज में दिखाई दे रहा है कि अपने काम में भी कुछ ऐसा नया करना चाहते हैं, जहाँ पर मनी को लेके कोई मामला है। देखिए, यहाँ पर फिश है कप के अंदर, तो फिश यानी हम उसको
लक्ष्मी जी का प्रतीक मानते हैं, धन का प्रतीक मानते हैं, तो यहाँ पर आप कुछ नया करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं नई प्लानिंग के साथ। और देखिए द मैजिशियन आया है, तो आप बहुत फ्रेश एनर्जी के साथ यहाँ पर जो है मैनिफेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं, कहते हैं ना जैसे एक जादूगर होता है, उसके पास देखिए यहाँ पर डिवाइन ने एक छड़ी दी हुई है, एक टियारा है, येलो कलर है यानी पॉजिटिविटी है, यहाँ कप भी है, यहाँ पेंटिकल्स भी है, यहाँ पर स्वॉर्ड्स भी है, यहाँ रॉड्स भी है। तो यहाँ पर देखिए इस जादूगर के पास यानी आप मैजिशियन हैं, आपको डिवाइन ने सारी क्षमताएँ दी हैं, बस आपको उसे एक क्रिएटिव फील्ड में या अपने चाहे लव लाइफ में या कहीं पर कुछ बहुत पॉजिटिव होकर क्रिएट करने की ज़रूरत है। तो ये जो पूरा महीना है अक्टूबर अभी से लेके 22 से लेके 31 अक्टूबर तक की जो एनर्जी है उसमें आप कुछ अच्छा पॉजिटिव मैनिफेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है आप ध्यान मेडिटेशन कर रहे हो, अगर ऐसा नहीं कर रहे हैं तो बिना जाने ही आप मन ही मन में कुछ पॉजिटिव मैनिफेस्ट कर रहे हैं जो मुझे इस पूरे महीने में क्रिएट होता हुआ दिख रहा है। तो पॉजिटिविटी रंग लेकर आएगी, बहुत ही देखिए येलो कलर है, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है। आपके आसपास आपको सुविधाएं मिलेंगी, आपको काम मिलेगा, अपने काम के मामले में भी आप लोग जहां पर जाएंगे, चाहे आपकी नई जॉब है, आपका बिजनेस है, वहां पर आपके आइडियाज़ को आपके दिमाग में जो चल रहा होगा कि इसको ऐसे कर लेते हैं ऐसे कर लेते हैं, अगर आप अपनी बातें किसी के सामने रखेंगे उसकी रिस्पेक्ट की जाएगी, उसको समझा जाएगा, यानी आपका जादू यहाँ पर चल जाएगा। तो ये जो मैजिशियन की एनर्जी है इसको बनाए रखिए। और ये देखिए मैंने कहा था कि नया शुरू करेंगे आप कुछ, और हैंगमैन की एनर्जी से बाहर आएंगे। लेकिन देखिए डिवाइन यहाँ पर कहते हैं कि मैं आपका काम बना रहा हूँ, ये एंजल्स कहती हैं कि बच्चों मेष राशि वालों मैं आपका काम बना रहा हूँ, बस आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। तो इस पूरे महीने में आप बड़ा पेशेंस रखकर चलते हुए भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। और अब आप जो भी करना चाहते हैं वो थोड़े टाइम के लिए नहीं, चाहे वो रिलेशनशिप हो तो उसे लॉन्ग टाइम के लिए अपने जीवन में रखना चाहते हैं, या कोई काम है तो उसे बहुत जमा कर स्थिरता के साथ करना चाहते हैं। लेकिन मैं कहूँगी यहाँ पर अभी ये सब चीज़ें आपके मन में हो सकती हैं कि चल रही हैं, आप प्यार से किसी की तरफ बढ़ना चाहते हैं, लेकिन नाइट ऑफ पेंटिकल है, लॉन्ग रिलेशन लेकर चलना चाहते हैं, लेकिन अभी शायद आपने वहाँ बहुत एक होता नहीं है, शुरुआत नहीं की है, इसीलिए मुझे दिखाई दे रहा है कि आप किसी को कुछ ऑफ़र देना चाहते हैं। इस अक्टूबर महीने में आप उन्हें ऑफ़र दे सकते हैं। तो देखिए बड़ी पॉजिटिव एनर्जी आई है यहाँ पर मेष राशि वालों। तो अब आपके मन में होगा कि आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, तो अब हम निकालेंगे कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जी रहेगी इस अक्टूबर महीने में। इस अक्टूबर महीने में पार्टनर आपके लिए क्या सोचेंगे, उनकी क्या एनर्जी रहेगी आपके लिए, आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोचेंगे, क्या एनर्जी रहेगी आपके लिए, आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोचेंगे, उनकी क्या एनर्जी रहेगी आपके लिए, आपके पार्टनर क्या सोचेंगे, उनकी क्या एनर्जी रहेगी आपके लिए, आपके पार्टनर क्या सोचेंगे, उनकी क्या एनर्जी रहने वाली है आपके लिए। वाह क्या बात है, एकदम बहुत पॉजिटिव कार्ड यहाँ पर भी आए हैं। तो देखिए मैं जैसा मैंने कहा था कि टावर मूवमेंट आया था, आप पिछला बहुत कुछ साथ छोड़ चुके हैं, आपने जो एक नई शुरुआत की है, देखिए यहाँ दो तरह की एनर्जी हो सकती है, एक आपके आप लोगों में से किसी के एक्स हो सकते हैं, और एक शायद आप किसी नए रिश्ते में आए हों, तो उसकी एनर्जी मुझे यहाँ साफ साफ दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर भी आप बहुत एक डिसीज़न लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि मुझे लगता है आपकी पास्ट लाइफ में कोई तो आपको छोड़कर चला गया था, या आप दोनों में अलगाव हो गया था, आपने बड़े उतार चढ़ाव देखे हैं, उसके बाद अब आप इस सिचुएशन में खड़े हुए हैं, शायद किसी ने आपका प्यार एक्सेप्ट नहीं किया था, या आपने किसी का प्यार एक्सेप्ट नहीं किया था, तो आप यहाँ पर एक डिवाइनली गाइडेड डायरेक्ट कहते हैं ना एकदम सीधा कोई डिसीज़न लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आप देखिए यहाँ पर मुझे लगता है आपके पार्टनर भी बहुत तेज़ी से आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर भी आया है ये फिर से टेम्परेंस कार्ड, दोनों साइड में टेम्परेंस कार्ड आया है। तो अगर कोई नया आपको मिला है, या पुराने में ही कोई दोबारा आपका रिकंसलेशन हुआ, अगर बीच में कोई और आ गया था और उसके पहले कोई आपका पार्टनर था, तो कोई पास्ट लाइफ से निकल कर आपके यहाँ पर आ गया है, अगर कोई आपका सोलमेट है
तो यहाँ टेम्परेंस कार्ड बताता है मैं आप दोनों को मिलाने की भरपूर कोशिश कर रहा हूँ, बस आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। और देखिए ये तो कार्ड आया ही, इसके साथ साथ यहाँ देखिए आपके जो पार्टनर हैं तो आपके पार्टनर भी आपकी तरफ बड़े प्यार से धीरे धीरे गति से बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए मुझे तो लग रहा है ये प्यार दोनों तरफ से, अब यहाँ पर एक तरफा मामला मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। बहुत अच्छी एनर्जी आई है, पॉजिटिव एनर्जी आई है, वो आपको एक क्वीन या किंग के हिसाब से देखते हैं। आप हो सकता है कि अपने जीवन में स्टेबल हूँ, अच्छा काम कर रहे हूँ, अच्छा कमा रहे हूँ। आप मेल हो सकते हैं, फीमेल हो सकते हैं, जैसे भी, आपको बहुत सुंदर देखते हैं, बहुत आकर्षक देखते हैं, ठीक है। और देखिए और उनके अंदर इमोशन बहुत ज़्यादा है आपके लिए, लेकिन अभी मुझे वो थोड़ा सा उसको छुपा कर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अंदर भरा हुआ है बहुत कुछ, पर इमोशन से बचते हुए दिखाई दे रहे हैं। इमोशनली बहुत ज़्यादा अंदर से फ्लो हो रहा है, लेकिन हो सकता है कि तुरंत अभी ना बोलें, लेकिन धीरे धीरे आपकी तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको एक बहुत बैलेंस, अगर आप मेल हैं फीमेल हैं, बहुत बैलेंस पर्सनैलिटी समझते हैं, यहाँ पर भी फिर से दिखाई दे रहा है कि आप अपने जीवन में इतनी चीज़ों को बैलेंस करके रह रहे हैं कि जिसकी वजह से वो आपको बहुत शांत सौम्य, एक अच्छा होता है ना कि ठीक है कभी कभी गुस्सा भी शायद आता हो आपको, लेकिन ऐसा इस समय नहीं दिखाई दे रहा आपके करेक्टर में। तो आपको एक बहुत ग्रोथ करने वाला पुरुष या महिला के रूप में या लड़की के मामले में देख रहे हैं कि आप घर बाहर यहाँ वहाँ सब कुछ बैलेंस कर कर चलने वाले हैं, या एक पति मटेरियल या एक पत्नी मटेरियल के रूप में आपको देखते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मैं कहूँगी कहीं छोटी सी निगेटिविटी है, हो सकता है कि आप दोनों के रिलेशन के बीच में कुछ ऐसा हो जहाँ पर लोग इस चीज़ को पसंद ना कर रहे हो। तो मैं और आप यहाँ पर हर्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, शेयर ना करें, थोड़ा आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी है यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है। और देखिए ये आ गया, लेकिन आपके पर्सन आपसे अलग होकर एक नई शुरुआत करते हुए जरूर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन रिलेशनशिप बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है थर्ड पार्टी के साथ। कोई एक इग्नोर कर रहा है, कोई एक पीछे पड़ा हुआ है, अभी भी रिलेशनशिप में क्राइसिस है उन दोनों के बीच में। आपके लिए यहाँ पर ऐसा नहीं है कि थर्ड पार्टी के साथ भी बड़े अच्छे रिलेशन में दिखाई दे रहे हैं, आपके साथ ऐसा कांटेक्ट रखना चाहते हैं। देखिए मंडप सजा है, तो आप मैं देखिए यहाँ पर देखूंगी आपके आगे का इमोशन को छुपा रहे हैं। अभी कितना वो अपने इमोशन को छुपाएं, लेकिन उनके मन में कहीं ना कहीं इस रिश्ते को लेके बहुत पॉजिटिविटी है। वो अगले पायदान पर जाना चाहते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं, घर बसाना चाहते हैं, दोनों के मामले में नेक्स्ट एक्शन दिखाई देता है एनर्जी में, क्या लेते हुए दिखाई दे रहा है। शादी तक नहीं तो एंगेजमेंट तक या रिश्ता फिक्स होने तक कुछ ना कुछ ऐसा मांगलिक कार्य दिखाई दे रहा है। अभी मंडे से तो वैसे भी शुरू हो गया है, अभी तक पितृपक्ष चल रहा था, पितृपक्ष सबको मिले। आपके पर्सन देखिए यहाँ पर फिर से ओवर थिंकिंग करते हुए, बहुत ज्यादा टेंशन लेते हुए परेशानी में ही दिखाई दे रहे हैं, तो कुछ ना कुछ ऐसा होते हुए वो तभी आपकी तरफ आएंगे जब वो इस हैंगमैन की एनर्जी से, यानी कि देखिए कार्ड उल्टा है तो हैंगमैन है, रिवर्स हो गया तो हैंगमैन की एनर्जी से जब बाहर आएंगे तब वो आपकी तरफ बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रही है। फिर भी मैं निकालती हूँ आपके लिए कि मनी मैटर के मामले में, आर्थिक स्थिति के मामले में कैसी सिचुएशन आपकी रहने वाली है यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर देखूंगी कि यहाँ पर देखिए थर्ड पार्टी के क्या होता है, उनका ईगो, उनका नेचर या उनका मनी मैटर या उनकी फैमिली, वो भी थर्ड पार्टी हो सकते हैं। तो जैसा मैंने थर्ड पार्टी रिलीज का मेडिटेशन पेज आपका भी आया, तो देखिए यहाँ पर एनर्जी दिखाई देती है। यहाँ पर मून का कार्ड है जो दिखाता है कि मनी मैटर के मामले में तो ठीक रहेगा, लेकिन आप देखिए स्ट्रेंथ जुटाए हुए थे लेकिन कुछ समस्याएं थी, क्योंकि मनी मैटर के मामले में आप तो चाहे कोई जो स्ट्रेस है आपके माइंड में, जो दिमागी प्रॉब्लम है, उसके कारण नुकसान हो रहा था। लेकिन अगर आप उन चीज़ों से निकल कर करेक्ट डिसीजन लेंगे तो देखिए यहाँ पर आया टेम्परेंस कार्ड। टेम्परेंस कार्ड दिखाता है, यहाँ पर डिवाइन एंजल कहती है कि बच्चों पेशेंस रखिए, मैं आप लोगों को पेशेंस का पार्ट पढ़ा रही हूँ, जरा पेशेंस और धैर्य के साथ रहिए, मैं सब कुछ आपका ठीक कर रही हूँ। यहाँ पर तो कामकाज के मामले में हो चाहे और मामले में, डिवाइन यहाँ पर आपको पेशेंस रखने के लिए कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। काम के मामले में कोई नया ऑफर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, आप थोड़ा इमोशन लेस हो गए हैं इसलिए बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच रखते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ प्रैक्टिकल डिसीजन लेकर आगे बढ़ेंगे और आप पैसों का आपको प्रॉफिट होगा तो अपने परिवार के साथ हो सकता है, एक अच्छा टाइम बिताएं और पैसा अपने परिवार पर खर्च करें। तो यहाँ पर 10 ऑफ कप भी दिखाई दे रहा है जो मनी मैटर के मामले में, तो यहाँ आर्थिक स्थिति के मामले में आपकी सिचुएशन मुझे ठीक ही दिखाई दे रही है, सारी चीजों को चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और थर्ड पार्टी की एनर्जी से देखिए मूव ऑन
कौन है, वहां पर सब कुछ है फिर भी निकल रहे हैं। और हैंगमैन रिवर्स आया है, तो हैंगमैन रिवर्स का मतलब है कि स्टक एनर्जी से बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अगर मेष राशि आपके जो पार्टनर है वो किसी थर्ड पार्टी में थे भी, तो वो अब यहाँ से मूव ऑन करके बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो ये कोई बहुत बड़ा मसला है ही नहीं। तो चलिए अब हम आगे देखेंगे कि आपकी आर्थिक स्थिति इस पूरे अक्टूबर महीने में कैसी रहने वाली है, मनी मैटर करियर कैसा जाएगा। तो देखिए मेष राशि वालों, समय तो आपका बहुत अच्छा चल रहा है, यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है जो दिखाता है कि समय चक्र आपके पक्ष में आ चुका है, आपका अच्छा समय दिखाई दे रहा है। तो चलिए आपके कैरियर के लिए अभी और कार्ड निकालूंगी मैं, चार स्ट्रेट गाइड एंजल। मेष राशि वालों के कैरियर का मामला कैसा रहने वाला अक्टूबर महीने में, मेष राशि वालों के कैरियर में मनी के मैटर में कैसा रहने वाला है अक्टूबर महीना, मेष राशि का कैरियर और मनी मैटर कैसा रहने वाला अक्टूबर महीने में, मेष राशि का कैरियर, मेष राशि वालों का कैरियर और मनी मैटर कैसा रहने वाला अक्टूबर महीने में। वाह मेष राशि वालों, इस बार तो आपका कार्ड देखकर मुझे भी बड़ी खुशी हो रही है, क्योंकि इतने पॉजिटिव कार्ड्स यहाँ पर आ रहे हैं, तो कुछ ज़्यादा सोचने करने की ज़रूरत ही नहीं है। कहीं पर अगर कामकाज के मामले में कोई इश्यूज आया था, किसी ने आपके साथ चीटिंग की थी, कोई गुस्से का ईगो का मामला था, तो ये सारी एनर्जी रिलीज हो चुकी है और आपको मिली है विक्ट्री। तो आप कामकाज के मामले में बड़ी पॉजिटिविटी के साथ अपने मंजिल पर पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं। मनी मैटर के मामले में भी कोई क्राइसिस नहीं है, क्योंकि ये देखिए आगे जो ये समय आ रहा है, ठीक है, ये 22 से लेकर 31 अक्टूबर तक का जो मामला है, ये समझ लीजिए सवा महीने का, एस ऑफ पेंटिकल आया है, तो यहाँ लग्जरी दिखाई दे रही, बड़ा पैसा दिखाई दे रहा है। हो सकता है आप में से कोई होगा जो बड़ी जॉब के बारे में सोच रहा था, या अपने बिजनेस में कुछ इन्वेस्ट करके अच्छा बड़ा काम करने के बारे में सोच रहा था, तो कहीं ना कहीं इस अक्टूबर महीने में आपको मनी मैटर में फ़ायदा मिलते हुए दिखाई दे रहा है, डिवाइन आपकी मदद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसा मैंने कहा था कि व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है जो दिखाता है कि समय चक्र आपके पक्ष में घूम चुका है और एक अच्छा समय आपका चल रहा है। देखिए रिलेशनशिप में अच्छा चल रहा है, इसके साथ साथ यहाँ पर मैंने देखा कि रिलेशनशिप के साथ साथ आप अपने आप में ग्रोथ करते हुए दिखाई रहे हैं। आप में से अगर कोई हायर एजुकेशन में है, कोई सरकारी जॉब के लिए तैयारी करना चाहता है, या कुछ और अगर जिस जगह पर आप हैं, आप किसी भी फील्ड में उसमें और प्रोग्रेस करके और बड़ी पोस्ट पर जाना चाहते हैं, प्रमोशन करना चाहते हैं, तो वहाँ पर आप और ज्ञान प्राप्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, आप एक हाई प्रिस्टस की एनर्जी में हैं, यानी कि आप जहाँ पर हैं वहाँ से अपने को और ऊपर की तरफ ले जाना दिखाई दे रहा है, और आप अपने काम काज में दो चीज़ों को बैलेंस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसा मैंने यहाँ पर है कि काम के मामले में भी बहुत पैशन है, इमोशन है, काम बहुत बूस्टअप होकर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, बहुत ही पॉजिटिविटी यहाँ पर दिखाई दे रही है। देखिए कितनी पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप एक न्यू शुरुआत की है आपने, और उस पॉजिटिव एनर्जी के साथ अपने काम काज में बहुत प्रोग्रेस करते हुए आप दिखाई दे रहे हैं, और अपने परिवार फैमिली सबके साथ खुशियां मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपका मनी मैटर पैसे आएंगे, परिवार में कोई फेस्टिवल होगा या कुछ भी इवेंट होगा, कुछ भी हो रहा है वहां पर आप पैसे खर्च करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, और पूरी पारिवारिक जीवन में भी खुशियाँ दिखाई दे रहे हैं। सिर्फ एक लव लाइफ की बात नहीं है, फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ, परिवार के साथ खुशियाँ मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये अक्टूबर महीने में देखिए 10 ऑफ कप, यानी कि आपकी जो इच्छाएं थी वो यहाँ पर पूरी होते हुए दिखाई दे रही हैं। देखिए कितने खुश हैं, यहाँ पर हस्बैंड वाइफ हैं, बच्चे हैं, पॉजिटिविटी है, ग्रीनरी है, ऊपर से इतने सारे कप, यानी इन सारे कप में डिवाइन आपको बहुत सारा कुछ भर भर के दे रहे हैं। तो अगर देखा जाए तो ये समय तो आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव है। ये रीडिंग से मैंने मॉर्निंग में ये रीडिंग की है अभी 7 बजे से, और मुझे खुद को ये रीडिंग के बाद बड़ा पॉजिटिव महसूस हो रहा है। चलिए देखते हैं कि आपकी सेहत कैसे रहने वाली है, बताइए इस महीने में मेष राशि वालों की सेहत कैसी रहने वाली है, मेष राशि वालों की सेहत कैसी रहने वाली है, मेष राशि वालों का स्वास्थ्य और सेहत कैसी रहने वाली है। तो देखिए पिछले टाइम में कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव आपने सेहत को लेके देखे हैं, तो अभी मैं कहूँगी कि देखिए ये इतना कंजूसी करने की ज़रूरत नहीं है आपको कि चुपचाप आप थोड़ा सा एक्सरसाइज कीजिए, ध्यान कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, हो सके तो मॉर्निंग वॉक पे जाइए, कुछ करिए, क्योंकि इतने उतार चढ़ावों के बाद अब आप विक्ट्री जीत कर कहीं पर खड़े हुए हैं, चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे आपका रिलेशनशिप का मामला हो, चाहे आपका काम का मामला हो, तो थोड़ा सा खुद की सेल्फ लव में आ जाइए। लेकिन सेहत में ऐसी कोई बहुत बड़ी दिक्कत मुझे नहीं दिखाई दे रही, आप डिवाइन का क्या गाइडेंस है आपके लिए। वैसे तो इतनी पॉजिटिव एनर्जी आई है,
सब कुछ दिखाई ही दे रहा है, लेकिन पूछते हैं कि डिवाइन आपसे इस महीने में क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। आप जिस भी डिवाइन को मानते हैं उनकी बातों को सुनिए और समझिए। वाह क्या बात है, इतनी अच्छी एनर्जी आई है यहाँ पर। तो देखिए डिवाइन कहते हैं कि अगर दुनिया खुश थी और आप मन में उदासी लेकर कहीं बैठे थे, बहुत चिंतन कर रहे थे, मनन कर रहे थे, तो ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत पॉजिटिविटी, आप जो जो चाहते थे आपके जीवन में वो सब आपकी तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, बहुत पॉजिटिविटी के साथ। शायद आप किसी चीज़ की उम्मीद करके बैठे थे तो कोई गुड न्यूज़ भी आपकी तरफ आती हुई दिखाई दे रही थी। जब आप पॉजिटिव रहेंगे तभी तो पॉजिटिव हो पाएगा। देखिए डिवाइन यहाँ पर फिर से कह रहे हैं कि हैंगमैन की एनर्जी से बाहर आइए, यानी किसी भी स्टक एनर्जी में है, किसी गलत रिलेशन में है, या किसी भी ऐसे काम में है जहाँ बिगड़ गया था, वहाँ पर आपने बहुत मेहनत किया है, चाहे वो आपका लव लाइफ हो, चाहे वो आपकी पारिवारिक रिलेशनशिप हो, चाहे आपका मनी मैटर हो, चाहे कैरियर हो, या कुछ भी ए टू जेड जहाँ पर आप ऐसा करना चाहते थे, तो आप जब मेहनत कर रहे थे तो यहाँ पर देखिए डिवाइन है, ये छोटे छोटे एंजल्स हैं आपको सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जहाँ ज़मीन बंजर हो चुकी थी वहाँ पर छोटे छोटे पौधे निकल आए हैं, उनमें फूल निकल आए हैं, यानी कि रिकंसिलेशन का कार्ड। द स्टार दिखाता है कि आप अपने जीवन में दोबारा से सब कुछ पॉजिटिव करके हर बिगड़ी चीज़ को बनाने में, बेहतर करने में अपनी एनर्जी को खर्च करेंगे और सब कुछ बेहतर होते हुए दिखाई भी दे रहा है। तो डिवाइन कह रहे हैं मैं सब कुछ ठीक कर रहा हूँ, बस तुम्हें पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है, बिल्कुल भी निगेटिविटी, भी कोई निगेटिविटी अपने मन में बिल्कुल भी मत आने दीजिए। और देखिए आपके मन में अगर कोई क्वेश्चन है, आप यस नो यहाँ पर जानना चाहते हैं, तो मैं एक कार्ड निकालूंगी आपके लिए। अपने मन में विचार करिए, दो मिनट के लिए मन को शांत कीजिए। देखिए यहाँ पर आया है यस का कार्ड। ठीक है चीज़ें हो तो रही हैं, लेकिन पिछला टाइम जो दिखाया उसमें आप हर्ट हुए थे, इस हर्ट से निकल के आप बिल्कुल बैलेंस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आपको क्वेश्चन था तो उसमें आया यस। ठीक है जैसा मैंने कहा निगेटिविटी से दूर रहिए तो सब कुछ अच्छा होगा। तो ये मेष राशि वालों, ये तो थी कलेक्टिव एनर्जी की रीडिंग, किसी से मैच करेगी, हो सकता है किसी से नहीं मैच करेगी। तो मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं, ठीक है, सिर्फ अपने बारे में जानना चाहते हैं कि आपके जीवन में क्या होगा। देखिए आप लोगों में बहुत सारे लोगों की शादियां भी हो रही हैं, तो अगर आप अपना कुंडली मिलाना चाहते हो कि आगे जीवन में कुछ गड़बड़ ना हो, कुंडली दिखाना चाहते हैं, शादी के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं, तो आप मुझसे कुंडली विश्लेषण करवा सकते हैं, कुंडली मिलान करवा सकते हैं। और टैरोट रीडिंग में भी आप अपने कैरियर के बारे में, अपनी लव लाइफ के बारे में, फैमिली लाइफ के बारे में, या किसी चीज़ के बारे में, चाहे कोई जॉब के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवा सकते हैं, क्योंकि ये एक कलेक्टिव एनर्जी रीडिंग थी। किसी से मैच करेगा, किसी से नहीं करेगा, और यहाँ पर लाखों करोड़ों लोगों की एनर्जी एक साथ होती है। अगर आप खुद का स्वयं का दिखाएंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर गाइडेंस मिल सकेगी अपने लिए। वैसे तो मेरे वीडियो सबसे मैच हो ही जाते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो देर न करते हुए मेरा नंबर नोट कर लीजिए, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। नंबर नोट कीजिए 9323135511। आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए, अगर आप व्हाट्सअप यूज़ नहीं करते हैं तब आप मुझे कॉलिंग नंबर पे, इसी नंबर पे कॉल कर सकते हैं। लेकिन कोशिश कीजिए कि व्हाट्सअप कीजिए, तो मैसेज मैं जल्दी देखती हूँ, आपको रिप्लाई करती हूँ। ठीक है तो चलिए जाने से पहले आप लोग के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि रीडिंग जो है आपकी, सॉरी थोड़ा सा फंबल हुआ, जो आपकी रीडिंग है वो बहुत ही पॉजिटिव आई है। ठीक है तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, अपने डिवाइन को याद कीजिए। देखिए डिवाइन का रूप तो एक ही होता है, मैं भोलेनाथ को मानती हूँ इसलिए उनका नाम लेती हूँ, आप जिसका नाम लेना चाहें आप ले सकते हैं। मेरे साथ कहिए शक्ति माता की जय हो, भोलेनाथ की जय हो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। और जाने से पहले लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ओम नमः शिवाय।